हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लोटस हर्बल डे क्रीम का रिव्यू। और इससे पहले मैंने लोटस की एक नाइट क्रीम का रिव्यू शेयर किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम थी। एंड गाइस, उसको बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वी वीडियो, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर यहाँ सजेशन में कहीं ना कहीं शो हो जाएगा आपको, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डे क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, साथ में ये ऑयली स्किन वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। सो गाइस स्टार्टेड। सो गाइस, जो क्रीम है वो कुछ इस तरह के, पहले तो कार्बो टाइप के पैकेजिंग में आती है। एंड आपको ये क्रीम ऑनलाइन भी मिल जाएगी, एंड आपको गाइस ये क्रीम लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी। एंड इसका जो छोटा वाला ट्यूब आता है वो भी आपको मिल जाएगा। उसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, पर हाँ उसका भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड ये यहाँ पे मेरे पास लोटस हर्बल की जो डे क्रीम है उसका पूरा जार है, बड़ा वाला जो कंटेनर होता है वो है ये। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। देन इसके बाद इसके अंदर से निकलता है हमारा प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की कांच की बॉटल में आता है, सॉरी कांच का एक जार है उसमें आता है ये। एंड इसका जो जार है वो काफ़ी हैवी है, यानी कि अगर आप नाइट क्रीम भी देखेंगे तो उसका जो जार है वो काफ़ी हैवी है। देखने में पैकेजिंग काफ़ी लग्जीरियस है। एंड इसका जो कैप है वो सिल्वर कलर का है, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कैप है वो ब्रेक हो चुका। वो जब आया था तब ऐसा नहीं था, ये मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ है, पर मुझे याद नहीं कि कैसे मैंने इसको तोड़ा, मतलब शायद कुछ गिर गया होगा इसके ऊपर, इसलिए ऐसा हो गया ये। एंड गाइस, ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है ग्लास जार में, एंड इसके ऊपर यहाँ पे एक शील्ड लगी होती है, तो अब दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो लोटस की हर्बल डे क्रीम है वो क्या क्लेम करती है, एंड इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो लोटस हर्बल वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम है। एक ये नॉर्मल क्रीम है, एक जेल क्रीम है। सबसे अच्छी बात है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन से, और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र लगाना शायद ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि जबकि उनको लगाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी ऑयली होती है, तो वो मॉइस्चराइज़र का जो पार्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये जेल क्रीम है। जेल क्रीम सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको चिपचिपापन भी नहीं देगा। सो ये थी इसकी जेल क्रीम की बात। एंड गाइज, इसके अंदर है SPF 25 PA++++, जो कि एक सन प्रोटेक्शन है अगर आप दिन में बाहर जाना चाह रहे हैं, और एक सन प्रोटेक्शन यानी कि सन स्क्रीन की लेयर एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वाली क्रीम ट्राई कर सकते हैं। एंड इसका जो विजिबल रिजल्ट है, जो यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि 7 डे में आपकी स्किन को वाइट ना ब्राइट एंड ग्लोइंग कर देगा, तो ऐसा मैंने लोटस की जो नाइट क्रीम थी उसमें भी देखा था कि 7 दिन के अंदर तो नहीं करता, पर हाँ अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो तो डेफिनेटली करता है। एंड अभी मैंने ऑलरेडी लगा भी रखी है वो क्रीम, क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं पहले से अपने फेस पे ये क्रीम मैंने लगा रखी है, और रेगुलर बेसिस पे भी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि आपकी स्किन में स्किन लाइटन कैसे करेगा, इट लाइटन स्किन टोन बाय रिड्यूसिंग अनइवन पिगमेंटेशन, यानी कि अनइवन पिगमेंटेशन अगर आपके फेस पे है, अनइवन स्किन टोन है आपका, तो उसको लाइटन अप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी स्किन पे विजिबली फेयरनेस स्किन देगा। आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट है, यानी कि पिंपल्स वगैरह की भी अगर स्पॉट है, तो उनको धीरे धीरे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एंड ब्राइट करेगा, यानी कि आपकी स्किन की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी हद तक इन्हेंस करेगा, यानी कि आपकी स्किन क्वालिटी को नेचुरली बूस्ट करेगा। बिकॉज ये एक हर्बल क्रीम है, तो इसके अंदर कोई हार्श ऐसे केमिकल नहीं है जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाएंगे। एंड इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो है मेलबेरी एक्सट्रैक्ट, यानी कि आप यहाँ पे ग्राफ्स कैसे देख सकते हैं, मेलबेरी बनी हुई है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा एंड उसको काफ़ी हद तक इन्हेंस करेगा उसकी क्वालिटी को। एंड गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। ऑल स्किन टाइप यानी कि ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, एक्ने प्रोन, सारे स्किन टाइप वालों को सूट करेगा। गुड फॉर ऑल स्किन टाइप इंक्लूडिंग ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि अगर स्पेशली आपकी स्किन कॉम्बिनेशन, जैसे कि मेरी स्किन ड्राई और ऑयली दोनों का मिक्स है, कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी,
तो मुझे भी ये सूट करेगी, इवन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको भी सूट करेगी। तो अगर आप कुछ ऐसे ढूंढ रहे हैं जो ऑयली स्किन के लिए अच्छा हो, या समर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पर फिर भी हमें एक मॉइस्चराइज़र की तो ज़रूरत होती है, तो उसकी जगह आप ये वाली क्रीम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये आपको तीन तरह से वर्क करेगा, एक तो एक ये मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को, दूसरा आपकी स्किन को लाइटन अप, ब्राइटन अप एंड ग्लोइंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट को रिड्यूस करेगा। थर्ड, आप इसके अंदर SPF है, तो अगर आप एक्स्ट्रा लेयर नहीं चाहते अपने फेस पे SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन की लगाना, तो आप डेफिनेटली एक बोलते हैं ना एक पंथ दो काश, नो सॉरी एक पंथ तीन काश, तो यानी कि ये तीनों के तीनों काम आपकी ये क्रीम कर देगी। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। सो ये इस तरह से इसका कैप ओपन हो जाएगा, बट हाँ गाइस ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये ग्लास का जार है और काफ़ी हैवी है, तो शायद आपको अनकंफर्टेबल हो इसको कैरी करने में। पर अगर आप चाहते हैं तो इसका छोटा थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल के किसी और दूसरे जार एम्प्टी जार में रख सकते हैं। एंड ये इसका शील्ड है जिससे कि प्रोडक्ट बाहर तो नहीं आएगा। एंड ये है इसकी क्रीम, आप देख सकते हैं वाइट कलर का इसका टेक्सचर है, वाइट कलर की इसकी क्रीम है। एंड कई इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है और नाइट क्रीम से मिलता जुलता ही इसका फ्रेग्रेंस, यानी कि दोनों के फ्रेग्रेंस सेम है, काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस लगता है, बहुत ज़्यादा लाइट और माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा। और किस तरह से वर्क करेगा, आपको बहुत ही लिटिल अमाउंट लेना है, भर भर की क्रीम नहीं लेनी है, थोड़ी सी ही लेनी है, जैसे कि आप मैंने यहाँ पर ली और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। इस तरह से डॉट बना के आप अपने फेस पर लगा लीजिए, आप देखिए हल्का सा ही बस रब करने पर मतलब एकदम ग्लो सा जैसे कि आ जाते हैं ना, और सबसे अच्छी बात है कि चिपचिपी नहीं है, स्किन में हल्का सा ब्लेंड करने पे ही स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने वगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी देर के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया भी है, क्योंकि एकदम लाइट है, एकदम हल्की सी है ये क्रीम। तो डेफिनेटली आप ये वाली क्रीम ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है। पर्सनली मेरी दोनों ही नाइट और डे क्रीम दोनों ही मेरी फेवरेट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो एक्चुअली में जो यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है वो है 390 यानी कि 390 रुपये। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया था, तो मुझे डिस्काउंट में मिली थी। आप भी लोकल मार्केट में ट्राई करेंगे तो डिस्काउंट में मिल जाएगा, एंड अगर ऑनलाइन भी मैं इसको चेक करूँगी ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, तो उसके सारे जो परचेस लिंक होंगे मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको सिर्फ उस पर जाके क्लिक करना है और डायरेक्टली आप परचेस लिंक पे पहुंच जाएंगे, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। एंड इसका जो वेट है वो है 60 ग्राम यानी कि 60 ग्राम, यू कैन सी। डेफिनेटली अगर आप अपने लिए कोई एक अच्छी सी क्रीम ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी अनइवन टोन को स्किन टोन कर देगा, SPF भी हो, अगर सब कुछ आप चाह रहे हैं कि एक क्रीम के अंदर आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली वाली क्रीम ट्राई कर सकते हैं। एंड मुझे तो काफ़ी पसंद है, दोनों ही क्रीम मुझे पसंद है, नाइट और डे क्रीम, सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो आपको पता है क्या करना है, सारी की सारी जो भी फ्री प्रोसेस है यानी कि लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, क्योंकि सारा कुछ फ्री होता है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सारी फ्री प्रोसेस है। तो फटाफट से जाके अगर आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है और वीडियो पसंद आया तो भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।